हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी तो नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं आपको एक स्टोरी इन शॉर्ट बताने वाली हूँ। उस स्टोरी का नाम है पीहू। पीहू मूवी है जो आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। अब क्या हुआ, ये वाला स्टोरी आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, ये वाला स्टोरी आपको, ये वाला मूवी आप नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो। ये मूवी आपको एज ऑफ द सीट में रखेगा, थोड़ा टेंशन में रखेगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा टेंशन में रखेगा आपको। ये मूवी आपको थोड़ा टेंशन में रखेगा, एज ऑफ द सीट टेंशन में रखेगा आपको। आप लोग ये मूवी नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हैं। अब इस मूवी में हम लोग क्या देखते हैं कि एक 2 साल की बच्ची है जिसका नाम है पीहू। पीहू 2 साल की बच्ची है जिसका हाल ही में जन्मदिन हुआ था। पीहू 2 साल की बच्ची है जिसका हाल ही में जन्मदिन हुआ था। अब क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलता है कि उसका जन्मदिन हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा सा गिफ्ट्स बेलून्स डेकोरेशंस किया हुआ था घर में। तो हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि पीहू का जन्मदिन हुआ था, 2 साल का सेकंड बर्थडे जन्मदिन हुआ था उसका यस्टरडे। अब उसमें क्या हुआ कि पीहू नीचे आती है, पीहू का नींद खुलता है सुबह, वो नीचे आती है। नीचे आके वो क्या बोलती है, नीचे आके वो खाना ढूंढती है, खाना ढूंढती है क्योंकि उसको भूख लग जाता है, इसलिए वो खाना ढूंढती है। खाना ढूंढने के बाद उसको खाना तो नहीं मिलता है, पर पीहू एक्सीडेंटली जो वाटर हीटर है, घर का जो वाटर हीटर गीज़र है, वो ऑन रख देती है और उसी के चक्कर में वो उसको ऑन रख देती है। और पीहू माइक्रोवेव में खाना गर्म करने का कोशिश करती है, पर वो खाने को जला देती है क्योंकि वो 2 साल की बच्ची है, उसको क्या ही पता चलेगा खाना गर्म करना। अब क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पीहू गैस में खाना जलाने बनाने का कोशिश करती है, पर वो गैस को ऑन रखती है, माइक्रोवेव जल जाता है क्योंकि वो 2 साल की बच्ची है, उसको क्या ही पता चलेगा खाना गर्म करना। अब वो ऊपर जाती है अपने मम्मी को जगाने का कोशिश करती है। मम्मी को जगाने के चक्कर में पीहू अपने मम्मी को बहुत देर से जगाने का कोशिश करती है, पर उसकी मम्मी उठती नहीं है। बाद में हम लोग देखते हैं कि पीहू की मम्मी एक्चुअली मर चुकी होती है, वो कुछ पिल्स खा के मर चुकी होती है। और हम लोग को टेंशन इस बात का होता है कि कहीं पीहू फर्श में पड़े हुए, ग्राउंड में पड़े हुए उस पिल्स को खा ना ले। अब क्या होता है, हम लोग को टेंशन इसी बात का रहता है कि पीहू कहीं वो पिल्स को खा ना ले। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पीहू फिर नीचे जाती है खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि वो अभी भी भूखी होती है। और क्या होता है, पीहू, हम लोग देखते हैं कि पीहू अभी तक खाना ढूंढने के लिए नीचे जाती है, पर वो अपने आप को फ्रिज में बंद कर लेती है। तो इस बात का भी टेंशन रहता है व्यूअर्स को कि कहीं पीहू फ्रिज में अटक ना जाए, पर हम लोग देखते हैं कि वो फ्रिज से अपने आप को निकाल लेती है, फ्रिज के दरवाजे को धक्का मार के निकाल लेती है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं पीहू ऊपर जाती है अपने मम्मी को जगाने का कोशिश करती है, पर वो नहीं जगती। हम लोग देखते हैं कि उसकी मम्मी के पास कुछ पिल्स पड़े हुए थे, यही होता है। उसके बाद पीहू अपने डॉल्स के साथ खेलने लगती है, खिलौनों के साथ खेलने लगती है। खिलौनों के साथ खेलने के चक्कर में वो अपना एक खिलौना बालकनी से नीचे गिरा देती है। तो हम व्यूअर्स को इस बात का भी टेंशन होता है कि कहीं पीहू बालकनी से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वो
बालकनी के रेलिंग में चढ़ने जाती है और हम लोग को टेंशन होता है कहीं वो बालकनी से गिर ना जाए अपने डॉल्स को लेने के चक्कर में। पर हम लोग क्या देखते हैं कि पीहू को एक आंटी दूसरे फ्लोर से डांप के नीचे उतार देती है। तो हम व्यूअर्स को टेंशन नहीं होता है कि ठीक है चलो पीहू अब सेफ है क्योंकि वो बालकनी के रेलिंग से नीचे उतर गई है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पीहू के पापा फ़ोन करते हैं। पीहू के पापा जब फ़ोन करते हैं तो पीहू बोलती है कि पापा मम्मी अभी तक सो रही है। तो पीहू के पापा को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है घर में। अब कुछ तो गड़बड़ है घर में उसके पापा को पता चल जाता है और उसके पापा फट से फ्लाइट लेके घर में आ जाते हैं, घर में दौड़ के आ जाते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि रात को उसके पापा पहुंचते हैं घर में और अपने बीवी को देखते हैं कि उनकी बीवी मर चुकी होती है। उनको बहुत सैड फील होता है इस बात में। पर हम लोग क्या देखते हैं कि पीहू सेफ है, पीहू सेफ है। उसके पापा देख के कि पीहू सेफ है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उनके उसके पापा को। तो यही था मूवी। आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स में जाके देख लीजिएगा। और मेरा चैनल घोस्ट एंड शैडोज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को मेरे चैनल घोस्ट एंड शैडोज़ यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा। और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा उन लोग जाके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। और यही था आज का वीडियो। मैं कुछ दिनों के बाद फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगी। हैप्पी लिसनिंग, आई लव यू ऑल। हैप्पी लिसनिंग, आई लव ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आप लोग टेक केयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।